अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप दैट एवरीवन इज़ डूइंग गुड। सो ये वीडियो बहुत ज़बरदस्त होने वाली है, बिकॉज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि दुबई के अंदर आप ई कॉमर्स बिज़नेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ड्रॉप शिपिंग, इसके लिए आपको लाइसेंस कितने का मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, विच वेबसाइट इज़ गोना बी रियली सूटेबल एंड विच लाइसेंस कैन बी रियली सूटेबल फॉर यू गाइज। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू गाइज वॉन्ट टू ओपन ए जनरल ट्रेडिंग कंपनी और LLC कंपनी और सोल प्रोपराइटरशिप, कुछ भी कुछ भी। तो इंशाल्लाह आप ये वीडियो पूरी देखें, तो विद इन लाइक स्क्रीन पे लेके जाऊंगा आप लोग को और मैं पूरा समझाऊंगा कि कौन कौन से लाइसेंस टाइप है यहाँ पे और कौन कौन सा लाइसेंस आप यहाँ पे अवेल कर सकते हैं और कितने किसकी कॉस्ट है, हर एक चीज़ डिटेल्ड डिटेल्ड। जी बिल्कुल, तो मेक श्योर करें कि आप पूरी वीडियो देखें और लेट्स हॉप ऑन द स्क्रीन। हम लोग अभी स्क्रीन पे आ गए हैं, तो मैं हम लोग को बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे दो ही बेस्ट लाइसेंस हैं जो हम लोग ले सकते हैं चीपेस्ट प्राइस के अंदर। सबसे नंबर वन पे आता है DED दुबई इकोनॉमिक एंड टूरिज्म का लाइसेंस, विच इज़ 1,070 dirhams ओनली। आप लोग यकीन नहीं करेंगे लेकिन इट्स लाइक दैट। या सर्विस डिस्क्रिप्शन आप लोग को मैं दिखा देता हूँ, ये देखें। इट्स अ सोल एस्टैब्लिशमेंट लाइसेंस दैट कैन बी होम बेस्ड। अगर आप घर से काम कर रहे हैं जैसे हम लोग कर रहे हैं, आप लोग ट्रेडमार्क रजिस्टर करेंगे, शायद ट्रेडमार्क का आपको 300 ऊपर देना पड़े, लेकिन इट्स 1,070 प्लस 300 लाइक 1,370। तो ये चीपेस्ट लाइसेंस है जो मेरे पास खुद भी मैंने बनाया है, तो इसको अवेल करने के लिए ये लाइसेंस है। आपको मैं प्रोसेस भी बताता हूँ। नंबर वन पे ये DED का आता है, नंबर टू पे अगर हम देखें तो ये शम्स है, शम्स फ्री जोन शारजा का लाइसेंस है। तो इट्स लाइक 5,750 dirhams, लेकिन इसके अंदर बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं। आप लोग अनलिमिटेड वीज़ा फैसिलिटी इसके अंदर है, ये देख सकते हैं 20% ऑफ है हर चीज़ के अंदर। इसके साथ आपको बहुत सारी और सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, डेस्क मिलेगा, बहुत सारी आप कह सकते हैं ना कि वीज़ा भी आपको इन्वेस्टर वीज़ा मिलता है। फिर साथ में आपको मशरक नियो का बैंक अकाउंट मिलता है, विच इज़ अ बैंक अकाउंट ऑफ बिजनेस बैंक अकाउंट बेसिकली। तो 30% डिस्काउंट ऑन एनी काइंड ऑफ दैट यू से एनी काइंड ऑफ वीज़ा दैट यू विल अप्लाई। तो आप देख सकते हैं कि इसके ये पर्क्स हैं, लेकिन मैं आप लोगों को ये सजेस्ट नहीं करूँगा बिकॉज ये बिगिनर्स के लिए बिल्कुल नहीं है। हाँ, इफ़ यू गाइज हैव इन्वेस्टमेंट देन यू कैन गाइज गो फॉर इट। इट्स अमेजिंग अमेजिंग लाइसेंस दैट शारजा मीडिया सिटी इज़ ऑफरिंग, बट इफ़ यू आर लुकिंग फॉर समथिंग चीप यू शुड बी गोइंग विद दिस वन DED दुबई इकोनॉमिक टूरिज्म लाइसेंस। तो आप लोग को अगर ये अवेल करना है, इसका लिंक मैं आप लोग को नीचे दे दूंगा, ठीक है। तो आप लोगों ने करना क्या, आप लोगों ने सबसे पहले गूगल पे जाना, लिखना है DED दुबई DED ट्रेड लाइसेंस। बस आप लोगों ने DED ट्रेड लाइसेंस लिखना है, ठीक है। जब आप जैसे ही DED ट्रेड लाइसेंस लिखेंगे यहाँ पर जाके, तो लेट मी शो यू गाइस कि यहाँ पर एक ऐसा सेम ओपन हो जाएगा। तो इसके अंदर देख सकते हैं आप लोग के सिविल कंपनी ओपन कर सकते हैं और सकते हैं LLC ओपन कर सकते हैं, और इसमें जनरल ट्रेडिंग भी है मेरे ख्याल से। तो जब आप यहाँ पे ये टाइप करेंगे DED लाइसेंस, उसके बाद आप लोग नीचे स्क्रॉल करेंगे, इन पे क्लिक नहीं करना, ये नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री, ये स्पॉन्सर एड्स चल रहे हैं। आपने जाना ऑफिशियल गवर्नमेंट की वेबसाइट पर, ये वाली जो है आप लोगों ने यहाँ पर जाना है। बेसिकली इसकी जो वेबसाइट मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये इसकी वेबसाइट है इन्वेस्ट इन दुबई, ये वाली, ठीक है, ये इसकी वेबसाइट है। तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ हम लोग कैसे एक्सेस करेंगे इसको। तो जब आप यहाँ पे जाएंगे, आप लोग यहाँ पे आके राइट साइड में आप लोगों को दिख रहा है ये वाला इंस्टेंट लाइसेंस जहाँ पे लिखा हुआ है इनिशिएटिव्स के अंदर, यू गोना गो एंड क्लिक इंस्टेंट लाइसेंस, ठीक है। इंस्टेंट लाइसेंस में आप लोग क्लिक करेंगे, जाके बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, आप लोग रीड कर सकते हैं, तो आप लोग का फ़ायदा है। बहुत अच्छा दुबई गवर्नमेंट ने निकाला है ये छोटा सा प्रोसेस। तो हम लोग अगर हम लोग करेंगे तो इट्स लाइक यू कैन स्टार्ट। तो ये करने के बाद आप लोग डायरेक्टली जाएंगे, देखें खुल गया, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। जब आप लोग जाएंगे डूइंग बिजनेस पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आप लोगों ने जाना है डायरेक्टली यहाँ पे, लेट मी शो यू गाइस, ये रिक्वेस्ट टू इशू अ ट्रेड लाइसेंस, ठीक है। यहाँ पर क्लिक करना, जाके यहाँ पर क्लिक करने के बाद मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, एक इंटर सर्विस पॉपअप होगा यहाँ पे, आप लोग पढ़ सकते हैं, सारा पढ़ सकते हैं, पढ़ने के बाद आप एक्सेस कर सकते हैं, देखें इसकी फ़ीस कितनी है, बेनिफिशरीज पढ़ सकते हैं, सर्विस टाइम आप चेक कर सकते हैं इनका कितना है, ठीक है। तो व्हाट यू आर गोना डू, यू गोना क्लिक हेयर इंटर सर्विस। जब आप इंटर सर्विस पर क्लिक करेंगे तो ये दुबई इन्वेस्ट इन दुबई का ओपन हो जाएगा। सो आपने पहले UAE पास बना लेना, ठीक है। UAE पास से भी आप कनेक्ट कर सकते हैं और वैसे भी आप कनेक्ट, सो आप क्रिएट अकाउंट पर जाएंगे, ठीक है।
मैं आप लोगों को पूरा बता रहा हूँ। क्रेडिट अकाउंट पर जाने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे जाना है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मेरा नाम अहमद है, मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ क्योंकि अगर अपना नाम करूँगा तो नहीं आएगा। सो आई एम गोना शो यू गाइस, यहाँ पे आपने अपना नाम टाइप कर दिया, ठीक है। यू कैन जस्ट टाइप इट हियर। टाइप करने के बाद आप नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पे अपना आप नंबर डालेंगे, मोबाइल नंबर। फॉर एग्जांपल मैं अपना यहाँ पे मोबाइल नंबर डालता हूँ, लेकिन ये लिंक्ड है, इसी की वजह से शायद यहाँ पे OTP वगैरह आए। तो हाँ, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, OTP तो आया है मेरे फ़ोन में, और लेट मी जस्ट पुट इट हेयर। ये हमने यहाँ पे OTP डाल दिया। OTP डालने के बाद अब हमसे पूछता है आपका ईमेल एड्रेस क्या है। हमने यहाँ पर अब जाना है अपना ईमेल एड्रेस, हमने जाके अपना ईमेल एड्रेस लिख देना है, लेकिन ये ईमेल पे होगा नहीं बिकॉज मैंने पहले बनाया हुआ है। यस, ये ईमेल आ गया, नेक्स्ट करेंगे। तो ये पहले वी हैव फाउंड दैट यू हैव एन अकाउंट लिंक टू दिस ईमेल। तो मैं आप लोग को दिखा देता हूँ अपना अकाउंट ओपन करके, मसला नहीं, अपना अकाउंट ओपन करके मैं दिखाता हूँ आप लोग को। तो सेम प्रोसेस है जैसे आप जाएंगे, लेकिन जो मेरा अकाउंट है वो ऑलरेडी बना हुआ है। तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, आप लोगों ने जाना है यहाँ पे क्लिक करना है लॉगिन पे। लॉगिन पे जब आप क्लिक करेंगे जाके, तो कुछ इस तरह का इन्फॉर्मेशन आपके सामने डैशबोर्ड ओपन होगा। इनमें से मैं बहुत सारी चीज़ें हाइड कर रहा हूँ बिकॉज इसके अंदर मेरे ट्रेड लाइसेंस वगैरह की इन्फॉर्मेशन है। तो ऐसा आपको डैशबोर्ड मिलेगा जिस पे नंबर 1 पे डैशबोर्ड होगा, नंबर 2 पे बिजनेसेस होगा, नंबर 3 पे ट्रेडमार्क होगा और नंबर 4 पे डेलीगेशंस होगा। आपने कोई चीज़ नहीं छेड़नी, आपने जाना है स्टार्ट अ बिजनेस पे क्लिक करना है, ठीक है। आपने आप स्टार्ट अ बिजनेस पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आपने लिखना है न्यू ट्रेड नेम। यहाँ पे आप जाएंगे, अपना ट्रेडमार्क ट्रेड जो नाम होता है वो आप चूज़ करेंगे, एक्टिविटी बिजनेस की ऐड करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप ऑनलाइन ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, तो मैं आप लोग को दिखाता हूँ, आप लोग जाके रिटेल डाल सकते हैं, शॉर्ट टर्म रिटेल ऑपरेटर डाल सकते हैं जाके, ठीक है। या आप लोग जनरल ट्रेडिंग डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं, बिकॉज जनरल ट्रेडिंग के अंदर इंपोर्ट एक्सपोर्ट की जितनी एक्टिविटी है वो आ जाती है। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, लेट मी शो यू गाइस जनरल ट्रेडिंग। ये देखें, ये जनरल ट्रेडिंग है, इसके अंदर इंक्लूड्स कमर्शियल फेम एंगेज इन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्टिंग री इम्पोर्टिंग allowed goods trading activities that need special approvals can be traded under this activity. बोल रहे हैं कि अगर ये एक्टिविटी का कोड है, आप जाके गूगल कर सकते हैं, आप लोग को दिखाता हूँ, DED लाइसेंस एक्टिविटी कोड। ये जब आप लिखेंगे वो सारे आपको कोड दे देगा, ठीक है। ये वाले, ये मैं आपको बायो के अंदर इसका लिंक आप लोग को लिए डाल दूंगा, बिकॉज ये ज़रूरी इसलिए बिकॉज हर ट्रेड लाइसेंस के अपने एक्टिविटी नंबर है, ठीक है। तो ये आप देख के आप लोग चेक कर सकते हैं आप लोग कौन सी एक्टिविटी चाहिए। फॉर एग्जांपल ये देखें, ये 410006 प्री फैब्रिकेटेड कॉन्क्रीट हाउसेस कॉन्ट्रैक्टिंग 3D प्रिंटिंग है। तो आप लोग यहाँ पे अपनी कैटेगरी सर्च करके यहाँ पे जाके चूज़ कर सकते हैं। तो मैं जनरल ट्रेडिंग चूज़ करूँगा सिलेक्ट एक्टिविटी पे, और 2-3 एक्टिविटी डाल सकते हैं, लेकिन मेरी में याद रखें जितनी एक्टिविटी ऐड करेंगे आप लोग उसके हिसाब से कॉस्ट भी ऊपर जाती जाएगी। तो मेक श्योर करें कि आप लोग थोड़ा ध्यान से करें। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ये मेरा नाम आ गया यहाँ पे बिल्कुल। तो आप यहाँ पे अपने को, ये फॉर एग्जांपल अगर आप लोग पार्टनर हैं तो ये मेरा नाम है। अगर मैं चाहता हूँ मैं किसी को अपने भाई को या किसी पे अपने फैमिली मेंबर को पार्टनर बनाना चाहूँ इसके अंदर, तो मैं बना सकता हूँ, ठीक है। तो अगर आप लोग नहीं डालना चाहते तो इट्स अप टू यू गाइज। नेक्स्ट पे क्लिक करें आप लोग, नेक्स्ट क्लिक करने के बाद आप देखें इस पे आ गया लिमिटेड लाइबिलिटी LLC आ गया, सोल एस्टैब्लिशमेंट आ गया, सिविल कंपनी आ गया, पार्टनरशिप आ गया, जॉइंट प्राइवेट कंपनी आ गया। आप लोगों ने इस पर क्लिक करना है, ठीक है। इस पर लिखा है एप्लीकेबल फॉर UAE GCC कॉर्पोरेट बॉडी ऑफ फॉरनर्स। आपने जाना है नेक्स्ट पे क्लिक करना है आपने। जब आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, अभी आपके पास लाइसेंस टाइप आपसे पूछेगा, आपने कौन सा लाइसेंस लेना है, नॉर्मल लाइसेंस लेना है, इंस्टेंट लाइसेंस लेना है, DED ट्रेडर लेना है, कौन सा लेना है आपने। तो आप लोग DED ट्रेडर पे भी क्लिक कर सकते हैं और ये नॉर्मल लाइसेंस पे भी क्लिक कर सकते हैं, क्योंकि मेरी एक्टिविटी जनरल ट्रेडिंग की है तो मैं इस पे क्लिक करूँगा। आप लोग इस पे क्लिक कर सकते हैं जाके DED पे, लेकिन मेक श्योर करें कि ये तभी अवेलेबल होगा जब आपका जो बिजनेस डिटेल्स हैं वो आपकी एक्टिविटी के लिहाज से होंगी। तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट क्लिक करूँगा। नेक्स्ट क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं अपनी डिटेल्स डालूँगा जो भी है,
डिटेल्स आने के बाद पार्टनर डिटेल्स डालूंगा, फिर कंफर्म करूंगा, तो जब आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है, आप पेमेंट करके अपना लाइसेंस ले सकते हैं। सो इट्स क्वाइट ईजी, कोई मतलब इतना हार्ड नहीं है। इफ यू गाइज रियली वॉन्ट एनी काइंड ऑफ हेल्प रिलेटेड टू लाइसेंसेज एंड एवरीथिंग, आप लोग मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं आप लोग हेल्प कर दूंगा मसला नहीं बनाने में, ठीक है। तो यही प्रोसेस था DED दुबई इकोनॉमिक ट्रेडर लाइसेंस जो 1070 दिरहम्स का, वो आप लोग किस तरह आप लोग बनाना चाहेंगे। तो मेक श्योर करें गाइस कि सपोर्ट माय चैनल, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें अगर आप लोग को पसंद आई हो तो। इंशाल्लाह मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। और हाँ, आप लोग इसके अंदर ड्रॉप शिपिंग भी कर सकते हैं, बिकॉज जब आपका लाइसेंस बन जाएगा आप लोग स्ट्राइप बना सकते हैं, स्ट्राइप पेमेंट गेटवे है, तो आप लोग को बहुत हेल्प होगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।